चलो 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 गुड साइड। भाई ऐसे चल रहा है बादशाह की तरह। भाई देखो देखो क्या कंडीशन है, बाप रे बाप, इतना बड़ा ट्रक और कैसे कैसे जा रहा है इतना छोटे नैरो वे से। भाई जस्ट लाइक मेरा इंडिया में एक ही दिक्कत है, रास्ते का जो साइज है मीन्स वाइड है ये बहुत ही कम रहते हैं और उसमें ट्रैफिक रहता है बहुत ज़्यादा। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन, क्या बोलूँ, इंडियन ट्रैफिक सिस्टम। ओके और देखो और क्या है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है भाई, जब शहर में रहते हो मीन्स एकदम प्रॉपर सिटी में वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही कंट्रोल रहते हैं, बट जब आप क्या करोगे, जब आप जस्ट लाइक शहर को छोड़कर थोड़ा सा आप सबर्ब में आओगे, गांव में जाओगे, आप टाउनशिप में जाओगे, वहाँ पर देखोगे ट्रैफिक रूल कोई फॉलो नहीं करता है क्योंकि ट्रैफिक पुलिस नहीं है, सिग्नलिंग सिस्टम अच्छा नहीं है। तो मेरा घर जो घर है ये कोलकाता के एकदम एंड ऑफ कोलकाता है, एंड ऑफ कोलकाता माने कोलकाता वहाँ पर जाके ख़त्म हो रहा है, उसके बाद से शुरू हो जा रहा है सबर्ब। पूरा गांव तो नहीं है बट ये सेमी टाउन बोल सकते हो। और यहाँ पर भाई बहुत दिक्कत है, पहले तो रोड कंडीशन बहुत बुरा है भाई, और नो ट्रैफिक सिस्टम, नो ट्रैफिक रूल, सभी चल रहे हैं सबके माफिक। सो वेलकम बैक इन अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग दोस्तों, ये मोटो व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कैसे एक मोटो व्लॉगर व्हाट आर द प्रॉब्लम दे फेसेस इन कोलकाता, इन इंडिया, नॉट इन कोलकाता, इन इंडिया। तो पहला चीज़ और सेकेंडली उसको क्या करना चाहिए टू बी अ सक्सेसफुल मोटो व्लॉगर। तो इस व्लॉग में टोटल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ, माई मोटो व्लॉगिंग एक्सपीरियंस। सो देखो भाई, अगर आप मोटो व्लॉगर बनना चाहते हो तो पहले तो आपको होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, क्योंकि बाइक का मतलब क्या है, बाइक चलाने का मतलब है पैशन, रफ्तार, यू नो जस्ट लाइक। बट इसका मतलब यही नहीं है आप बहुत तेज़ बाइक चलाओ, 100 में 200 में 150 में बाइक चलाओ, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, हीरोपंती नहीं है, जितना आप कर सकते हो उतना ही चलाओ, जितना स्पीड, अगर आपका स्पीड लिमिट है 70 में चलाओ, 80 में चलाओ, अकॉर्डिंग टू वे चलाओ भाई, किसी को इम्प्रेस करना नहीं है। बट आपको जब आप बात कर रहे हो बाइक चलाते हुए तब आपको बहुत एनर्जेटिक तरीके से बात करना है, ये पहला वाला टिप। और सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है भाई, जब आप बात कर रहे हो, बिकॉज मोटो ब्लॉगर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, आपको उस लोगों को, हम लोगों को बाइक भी चलाना पड़ता है, हम लोगों को साथ बाई साथ में बातें भी करना पड़ता है, तो बातें करने के पूरा कंसंट्रेशन चला जाएगा तो इट कुड बी एक्सीडेंट। सो आपको क्या करना है, जब आप बात कर रहे हो तब आप थोड़ा सा बाइक को धीमा चलाओ, स्लो चलाओ, और जब आप बहुत ही तेज़ रफ्तार से चला रहे हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बातें नहीं करना, सिवा फुटेज लो मीन्स आपका जर्नी का, आपका ट्रेवलिंग का। ये है एक लोकल मार्केट एरिया, अरे यार सामने ये वैन ऑटो अननेसेसरीली रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं, रास्ता इतना छोटा है ना, इतना नैरो है, देखो कैसे जाए। तो ये एक प्रॉब्लम है मोटो ब्लॉगिंग का, स्मूथ मोटो ब्लॉगिंग नहीं होता है, बट इसको ही आपको स्टाइल बना लो। चलो 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 गुड साइड। भाई ऐसे चल रहा है बादशाह की तरह। चल भाई, अरे माय गुडनेस, ये है कन्फाइन ब्लॉक, पीछे भाई गाड़ी है, सामने देखो ये भैया वैन लेकर क्या कर रहा है, 1 2 3 कर रहा है। चल भाई चल, और इसमें से बाइक चलाना भाई टैलेंट लगता है भाई। एक सोचो अगर जो जस्ट लाइक विदेश में जो मोटो व्लॉगर है ना, जो लोग एकदम हाईवे से चलाते हैं, स्मूथ वे, सब कुछ ट्रैफिक कंट्रोल्ड है और रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता है, उन मोटो व्लॉगर्स को बोलो यहाँ पर आकर बाइक चला के दिखाएं।
और नेक्स्ट टिप है दोस्तों, जब आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है, आपको चाहिए एक बहुत ही स्मूथ गैजेट। स्मूथ गैजेट के मतलब एक स्मूथ कैमरा, क्योंकि अगर कैमरा स्मूथ नहीं होगा तो मोटो व्लॉगिंग बहुत जड़क होगा। जड़क का मतलब कैमरा से धर 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 ऊपर नीचे होएगा, तो इससे आपका जो क्वालिटी ऑफ वीडियो गिर जाएगा। तो भाई एक जिसमें जाइडो सेंसर है, अच्छा खासा स्टेबिलाइजेशन है, पैसा वाला कैमरा खरीदो। मैं कोई कैमरा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट अकॉर्डिंग टू योर बजट आप खरीद सकते हो। थोड़ा सा ये चीज़ देख लो। मैं स्पेसिफिकली प्रेफर करता हूँ GoPro। भाई GoPro का क्वालिटी और GoPro का स्टेबिलाइजेशन जस्ट अनबीटेबल है भाई, अनबीटेबल है भाई। बहुत ऐसे देखे हैं मेरे जो पड़ोसी मोटो ब्लॉगर, उसने भी SJ कैम किया खरीदा है 10,000 में, बट क्वालिटी इज़ नॉट दैट मच यार, क्वालिटी इज़ नॉट दैट मच। वाइट फ्रेम ज़्यादा मेन मिलता है उसको, ऐसा स्मूथनेस नहीं मिलता है। क्वालिटी ऑफ वीडियो 4K मोड, 4K तो लिखा रहता है बट 4K नहीं होता है यार। 4K लिखने से और 4K क्वालिटी मिलने से डिफरेंट होता है। तो थोड़ा सा पैसा वैसा जमा कर थोड़ा सा अच्छा कैमरा खरीद लो, सो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। तो अभी चले जाते, ये तो दो चार चीज़ और भी, मैं जब जितना मुझको याद आता रहेगा उतना मैं बोलता रहूँगा। ये हो रहा है पूरा एकदम अनऑर्गेनाइज वीडियो। और क्या क्या दिक्कत आता है मोटो व्लॉगर के लिए, देखो मोटो व्लॉगिंग के तो पहला दिक्कत आता है भाई, हर दिन मोटो व्लॉगिंग आपको नहीं करना है। देखो मोटो व्लॉगिंग दो टाइप ऑफ होते हैं, एक तो होता है ट्रैवलिंग वाला मोटो व्लॉग, घूमते हुए मोटो व्लॉग, और दूसरा है लाइफस्टाइल वाला मोटो व्लॉग। लाइफस्टाइल वाला मोटो व्लॉग माने आप कहीं पर जा रहे हो, आप सब्जी बाजार जा रहे हो, ट्यूशंस जा रहे हो, दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, उस वक्त आप कैमरा को इंस्टॉल करके आप यू कैन शूट ऑल दैट। शहर में घूम रहे हो, लोकल एरिया में घूम रहे हो, वहाँ पर आप दिखाओ, लोग देखो कि इतना मास्क कोई नहीं पहना है, देखो मास्क विदाउट मास्क दे आर मूविंग इधर उधर, ओके। और ट्रैफिक दिखाओ, समथिंग एक्साइटिंग दिखाओ, राइट। सो देखो लोग देखो सामने देखो मास्क नहीं पहना है, 50% लोग मास्क पहन रहे हैं, 50% लोग नहीं मास्क पहन रहे। ऑलरेडी लंदन से एक एडवांस कोरोना वायरस आ चुका है भाई, फिर लंदन में तो लॉकडाउन है, तो हम लोग इंडिया में लॉकडाउन फिर से नहीं चाहिए, तो मास्क लगा लो भैया, मास्क लगा लो। तो ऐसे आप इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा सकते हो मोटो व्लॉगिंग में। देखो मोटो व्लॉगिंग में क्या है, आप जो चीज़ दिखा रहे हो वो तो पहले भी लोग देखे, बट वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कैसा प्रेजेंटेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको लोग नहीं दिख रहे, नॉर्मल वीडियो में क्या हो रहा है आपको लोग देख रहे हैं, एक आपका फेशियल एक्सप्रेशन एक इम्पैक्ट होता है, बट यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन का कोई नहीं है, सिर्फ आपका वॉइस है, वॉइस। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है भाई। और आपको चाहिए दो माउंट, हाँ माउंट के बारे में बोल देता हूँ, दो माउंट आपको चाहिए ही चाहिए। एक तो चाहिए हेलमेट माउंट, हेलमेट में जो लगाया जाता है, और दूसरा चाहिए चेस्ट माउंट, ये चेस्ट में छाती पे जो लगा हुआ हूँ मैं अभी, चेस्ट माउंट। यहाँ पर चेस्ट माउंट से आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। दोनों डिफरेंट माउंट है, दोनों डिफरेंट माउंट का एडवांटेज फैसिलिटीज़ में बोल दे रहा हूँ। एक तो पहले बोल दो चेस्ट माउंट, चेस्ट माउंट का पहला प्रॉब्लम है ये आप ऐसे मूव नहीं कर सकते वैसे, ओके। हेलमेट माउंट में एडवांटेज है, हेलमेट में आप सर हिलाओगे तो माउंट भी हिलेगा, एक मोशन के साथ फ्लो रहता है, राइट, इसमें नहीं होता है। बट एक चीज़ यहाँ पर एक अच्छा है, अगर सपोज मोटो व्लॉगिंग करते करते कहीं पर जाकर आप कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो, किसी के बात कर रहे हो, हेलमेट उतर रहे हो, तो आपका दिक्कत नहीं है, चेस्ट माउंट से भी आप शूट बराबर कर सकते हो। बट एक हेलमेट माउंट से प्रॉब्लम हो जाता है, हेलमेट को आप खोलोगे तो आपका, चलो यार आप तो मीन्स हेलमेट हेलमेट जितना जब तक आप शूट करना चाहते हैं हेलमेट पहन कर ही करना पड़ता है, ओके। यस माउंट आपको खरीदना है, एक हेलमेट माउंट तो कैमरा के साथ ही आ जाता है, चेस्ट माउंट अलग से खरीदना पड़ता है, 400-500 में मिल जाता है, 400-500 आप एक्सपेंसिव भी ले सकते हो। ये चलो ऑलरेडी आ चुका हूँ चापाटाली मोड़, यहाँ पर और क्या है, और क्या है मोटो व्लॉगिंग के लिए। यस भाई ये दो मोटो व्लॉग आपको करने हैं, और मोटो व्लॉगिंग का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है भाई, ट्रैवल व्लॉग करते करते हर दिन 365 दिन आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हो बाइक लेकर, तो उसके साथ आप ये चीज़ भी आप दिखा सकते हो मोटो व्लॉगिंग के एज अ पार्ट। देखो बाइक के बारे में मुझे ज़्यादा, बाइक के बारे में बट आई एम पैशनेट अबाउट मोटो व्लॉगिंग, लाइफस्टाइल वाला मोटो व्लॉगिंग मुझे ज़्यादा करना अच्छा लगता है। मैं ट्यूशन में जाता हूँ, क्लासेस में जाता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, बाज़ार करने जाता हूँ, हर जगह में मोटो व्लॉगिंग करता ही रहता हूँ। अरे यार
सो मेरे दोस्तों, ये था मोटो व्लॉगिंग का कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियो। होप सो आप जो मोटो व्लॉगर बनना चाहते हो, नए नए मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो, यू हैव गॉट सम शॉर्ट ऑफ आइडिया। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करो। चलो यार, नहीं जा सकते, बस आ रहा है। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।